हालेलुया। भाई श्याम की इन्होंने गवाही लिखवाई है, कुछ और भी टेस्टमनी थी शायद बीच में इन्होंने नहीं डाली, लेकिन मैं इन्होंने लिखवाया है कि इनका एक मोटरसाइकिल था जो इन्होंने लिया था और उसकी किस्त ना भरने की वजह से कंपनी वाले मोटरसाइकिल लेके भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे बाइक चली गई। और देखिए इस बाइक की गवाही है कि इन्होंने लिखाया कि जो मोटरसाइकिल ले गए थे और 26 दिसंबर का जब बड़ा प्रोग्राम था, प्रभु यीशु का जन्मदिन था, उस मीटिंग में भाई आए हुए थे ना, और जब इन्होंने प्रार्थना करवाई और रिसीव किया, और इन्होंने लिखाया है कि जब वापस गए 10 दिन बाद जो कंपनी वाले लेके गए थे वही मोटरसाइकिल वापस इनके पास आ गया, वही खुदा ने वापस दिया। और भाई बहुत नशे में भी था, प्रभु ने उससे भी आजाद किया। और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि ये अपने काम में इतना मस्त हो गया, अपना काम कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू काम कर रहे हैं और परमेश्वर इसे ब्लेस कर रहा है। मैं आत्मा में महसूस कर पा रहा हूँ खुदा ने आपको ब्लेस किया है, प्रभु ने आपको चुन लिया है आगे बढ़ने के लिए। आमेन। सच कह रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा, अगर तू एक कदम बढ़ाता है तो प्रभु 2 कदम बढ़ा के आएगा। ये सबके सामने एक प्रोफेसी है तेरे लिए। आमेन। सबसे ज्यादा लोगों को समाचार सुनाने के लिए खुदा इस्तेमाल करेगा। आमेन। हालेलुया। और नशे से आजाद किया, बाइक आई, और फिर एक सिस्टर की गवाही है, इनकी पत्नी की गवाही है। ओके, मैं बताना चाहूंगा इन की गवाही है कि इनके बेटा हुआ था और बड़े ऑपरेशन से बेटा हुआ, बड़े ऑपरेशन से बेटा हुआ था। आप हैरान मानिएगा, जब बड़े ऑपरेशन से बेटा हुआ और जब ऑपरेशन किया और उन नर्स से, उन डॉक्टर से पेट के अंदर रुई रह गई, और ऐसे ही पेट सेल दिया, पेट के अंदर रुई रह गई और उसकी वजह से तकलीफ पड़ी, दर्द होने लगा। और इन्होंने चेक भी कराया, देखते हैं कैसे कब क्या होगा, सोच रहे थे। इतने में 26 दिसंबर को लिखा है कि ये चर्च में आए, इन्होंने ले हैंड प्रेयर कराई बहन ने, और जब घर गई 3 दिन के बाद जब वॉशरूम गई और गुप्त अंग के द्वारा वो रुई बाहर निकल गई। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, बड़े अचंभे काम करता है, सोच भी नहीं सकते। जो डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल नहीं सोचे, खुदाबंद इतने काम करता है। एक बार जोर से तारीफ करिए परमेश्वर की। और इन्होंने लिखा है कि इनका बच्चा है जो उसे एलर्जी थी जन्म से ही, एक साल से क्या जख्म, क्या क्या किस तरह के दाने थे, क्या था उनके जख्म, छाले हो जाते थे पूरे शरीर पे, बॉडी पे ना, और बहुत जगह से इलाज करवाया, दवाई ली, आराम नहीं आया अपने। तो जब ये आप चर्च में आए, 26 दिसंबर को आप आए थे और उसी टाइम आपने बच्चे के लिए भी प्रेयर करवाई थी, यानी कहा कि परमेश्वर के दास ने सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की और बच्चा उस एलर्जी से आज बिल्कुल आजाद हो चुका है। आमीन। ये हमारा परमेश्वर है, खुदावंद जो विश्वास करते हैं और रिसीव करते हैं उनके जीवन में बड़े काम करता है। आज प्रभु आपके जीवन में भी बड़े काम करने जा रहा है। आमीन। सो खुदा बहुत सारी बरकत दे, प्लीज बैठ जाइए अपनी जगह पे। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे।